₹50 किलो मिलती है, 200 रुपए किलो मिल रही है। एक तरफ किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ वही किसान और गरीब लोग जब अपने लिए दाल खरीदने के लिए जाते हैं तब उनको तिगुने दाम पर खरीदना पड़ता है। मतलब किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन आम लोग जब सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो वही सामान उनको तिगुने दाम पर मिलेगा। जो पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलता था 100 रुपए लीटर मिल रहा है, सोना का दाम डबल हो गया है, दाल का दाम तिगुना हो गया है, तेल का दाम डबल हो गया है, जमीनें महंगी हो गई है, घर बनाना मुश्किल हो गया है, सीमेंट महंगा हो गया है। कहते थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ाना छोड़ दीजिए, ट्रेनों में भी लोगों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। ये हमारी स्थिति है, रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो महंगी होती जा रही है, शिक्षा महंगा होता जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, महंगी शिक्षा लेने के बावजूद आज की तारीख में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये आंकड़ा सरकार का है, हम अपने घर में नहीं आंकड़ा बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी इस देश में आज से पहले कभी नहीं थी। आप महाराष्ट्र को उठा करके देखिए, पूरे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, अकेले महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की है, और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को जो है कीमान वेतन नहीं मिल रहा है। ये आज का मुद्दा है, लेकिन आप देखिए कि आज के मुद्दे को किस तरीके से गायब कर दिया गया है। हर बात को, हर बहस को वो चाहते हैं कि धार्मिक झगड़े में तब्दील कर दिया जाए। एक बात मुझे बताइए, मेरा नाम कन्हैया है, मेरा नाम कन्हैया है, और यहाँ बैठे हुए जो तमाम लोग हैं, सब लोग का तो कोई ना कोई धर्म है ना, धर्म की रक्षा करना इंसान का धर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य यह है कि धर्म के नाम पर कुछ लोग जो है इस देश में धंधा चलाएं? मेरा एक सीधा सवाल है, जो भी लोग आकर के कहते हैं कि आज धर्म बचाना जरूरी है, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम धर्म बचाएंगे, क्या आप हमारा रोजी रोजगार बचाने की लड़ाई में हमारा साथ देंगे? हम धर्म बचाएंगे, बस हमको एक बात बता दीजिए कि आपका भी बच्चा चल करके हमारे साथ धर्म बचाएगा ना? किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, साधारण मिडिल क्लास का बच्चा धर्म बचाएगा? और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जज हैं, उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाकर के पढ़ाई करेगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? एक बार मैंने अपने भाजपा के एक मित्र को कहा, खासदार साहब, कि धर्म बचाना इतना जरूरी है तो भाजपा के नेता के का बेटा बेटी हम लोगों के साथ आकर के धर्म क्यों नहीं बचाता है? तो जवाब में बोला कि योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा तो है ना, बेटा बेटी नहीं है, चलिए मान लेते हैं भतीजा तो है ना। भतीजा बहुत आराम से बीसीसीआई में बैठ करके आईपीएल पर टीम बना रहा है, और हम लोगों को कह रहा है कि ड्रीम इलेवन पर टीम बनाएंगे। ये खेल आप समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा खेल क्या है? ये पूरा का पूरा खेल महाराष्ट्र के लोग समझ रहे हैं, और 20 तारीख को इसका मुकम्मल जवाब देने का जरूरत है। सिंपल सा एक बात है कि अगर फडणवीस साहब को डिप्टी सीएम ही बनना था तो उद्धव जी ठाकरे ने उनको डिप्टी सीएम तो बनाया था अपनी सरकार में, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर डिप्टी सीएम ही बनना था तो फिर शिवसेना के मुख्यमंत्री तो उद्धव जी ठाकरे थे। क्या खेल है ये कि अभी भी शिंदे जी के अंदर भी वो डिप्टी सीएम ही है, सीएम नहीं है? तो ये खेल क्या है? खेल ये है कि दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह ने अदानी के साथ बैठ करके ये तय किया है कि फडणवीस जी सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको एक कठपुतली चाहिए जिसकी डोर हमारे हाथ में होना चाहिए। और वो कठपुतली इसलिए चाहिए कि कोई जिगड़ा वाला इंसान, कोई
जिगरा वाला इंसान जिसकी रगों में महाराष्ट्र का खून दौड़ता है, जो मराठी स्वाभिमान को लेकर के चलता है, जो महाराष्ट्र के आत्म सम्मान को लेकर चलने वाला है, वो महाराष्ट्र को भाजपा के हाथों लूटने नहीं देगा, वो महाराष्ट्र को अदानी के हाथों बिकने नहीं देगा। इसीलिए ये पूरा खेल किया गया है। और ये खेल देखिए कितना कमाल है कि जिसकी पार्टी, जिसका सिंबल, उसकी पार्टी भी तोड़ दी और उसका सिंबल भी तोड़ दिया। खासदार साहब, अब आपका नया सिंबल मिल गया है। कहते हैं ना, गजब जमाना आ गया है। किताब खरीदने के लिए जाते थे तो उस पर लिखा रहता था, नक्कालों से सावधान, होलोग्राम देख करके सामान खरीदे, ये तो ऐसे बेईमान है कि होलोग्राम भी बदल दिया है, होलोग्राम भी बदल दिया है। जो राष्ट्रवादी घड़ी लेकर के घूमते थे, उनकी घड़ी लेकर के भाग गया और उनको तुतुई हाथ में दे दिया है। ये महाराष्ट्र में आज तक नहीं हुआ था। ये बड़ी चिंता की बात है कि हमने सब कुछ बिकते हुए देखा है। हमने पशु बिकते हुए देखे, हमने जो है सामान बिकते हुए देखे, दाल बिकते हुए देखे, साड़ी देखा बिकते हुए, कपड़ा बिकते हुए देखा। महाराष्ट्र में पहली बार हमने विधायक बिकते हुए देखा, हमने सीएम बिकते हुए देखा। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों को यह तय करना है कि आज संकट आपकी संस्कृति, आपके परंपरा और आपके इतिहास पर है। मैं कहता हूं, महाराष्ट्र वो धरती है कि पूरा देश आपको उम्मीद भरी नजरों से देखता है। पूरा देश आपको इस उम्मीद से देखता है कि जब जब इस देश में संकट गहरा हुआ है, जब जब अंधकार फैला है, तब महाराष्ट्र के लोगों ने ज्योति जलाई है और इस देश को रोशनी दिखाने का काम किया है। इस बार भी देश आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने आपके बहुमत को चुराया, जिन लोगों ने आपकी पार्टी तोड़ी, शिवसेना को तोड़ दिया, राष्ट्रवादी को तोड़ दिया, और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसा नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने आमदार बनाया, खासदार बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज इस वक्त जब अदानी से महाराष्ट्र को बचाने का वक्त है, इस युद्ध के वक्त में वो पीठ दिखा करके भाजपा के साथ शामिल हो गए। उन तमाम गद्दारों को जवाब देने का वक्त है। आप बताइए कि देश जब उम्मीद की तरफ आपकी ओर देख रहा है, आप इस देश को उम्मीद देंगे कि नहीं देंगे? आप गद्दारों से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलिए कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाथ उठा करके बताइए। अगर हम शपथ लेते हैं कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा, तो आने वाली 23 तारीख को महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। इसीलिए हमने कहा, कन्हैया कुमार आगे बढ़ो नहीं, महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र में परिवर्तन लेकर के आओ। और जो हमारी 5 गारंटी है, कहते हैं ना, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पंच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक निस्वार्थ भावना से आपने यवतमाल की स्थिति को बदलने के लिए आपने कांग्रेस, हाथ उठा करके बताइए। अगर हम शपथ लेते हैं कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा, तो आने वाली 23 तारीख को महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। इसीलिए हमने कहा, कन्हैया कुमार आगे बढ़ो नहीं, महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र में परिवर्तन लेकर के आओ। और जो हमारी 5 गारंटी है, कहते हैं ना, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पंच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 जो गारंटी है महाविकास आघाड़ी की, उस 5 गारंटी को हम लागू करेंगे। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जो बुरी नजर इन्होंने इस देश के संविधान के ऊपर उठाया है, इस देश के जमहूरियत और लोकतंत्र के ऊपर उठाया है, जो खरीद बिक्री का खेल अमित शाह ने शुरू किया है, इसको इसके खेल में इस महाराष्ट्र की जनता हराएगी। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके इस संविधान की रक्षा करेंगे। और जो महाराष्ट्र का अभिमान है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र का गौरव है, उसकी रक्षा करेंगे। यहाँ के संसाधनों को बचा करके यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के मराठों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, और यहाँ की नौकरी करने वाली महिलाओं और पुरुषों को हम सम्मान दिलाएंगे, अधिकार की रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ कि आप तमाम लोगों ने मुझे फिर से
एक बार अटल सिटी और यवतमाल में आने का मौका दिया है, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आप सब लोगों को मालूम होगा आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, उनका जन्मदिन है जिसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बड़ा गजब का संयोग है कि आज 14 नवंबर को हम विदर्भ की उस महान भूमि पर हैं, जो भूमि संतों परंपराओं की भूमि है। ये भूमि है राष्ट्र संत उग्रजी महाराज का, ये भूमि है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि, ये भूमि है सेवाग्राम की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, ये भूमि है एक से बढ़कर एक समाज सुधारकों की, वीरों की, वीरांगनाओं की। और इस विदर्भ की भूमि से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने इस देश को आजादी दिलाई, उसका एक बहुत गहरा संबंध है। मैं कहता हूं विदर्भ हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और कांग्रेस हमेशा विदर्भ का साथ रहेगा। ये ऐसा नाता है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 14 नवंबर को हम यवतमाल में, पटन सिटी में, विदर्भ में आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। अपने चाहने वालों, अपने परिवार के बीच में आज हम उपस्थित हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि हम चुनावी मेढक नहीं हैं, हम सिर्फ चुनावों में आपके बीच में नहीं आते हैं। आप में से मौजूद यहाँ बहुत सारे लोग जो मंच पर उपस्थित हैं और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए, उनको मालूम है कि मैं इससे पहले यवतमाल में समता पर्व में शामिल होने के लिए आया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करने के लिए आया था। आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने लोकनायक क्रांतिवीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा चित्र पर जो है माल्यार्पण किया, साहूजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले के चित्र पर माल्यार्पण किया, और हम सबके प्रिय इस देश को संविधान देने वाले शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया है। यह जो विचार है शिवाजी महाराज की, साहूजी महाराज की, ज्योतिबा फूले की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, इस विचारधारा की नर्सरी है विदर्भ। और यह विचारधारा क्या है? ये विचारधारा जो हमको समता मूलक समाज बनाने की ओर प्रेरित करता है, हमको अग्रसर करता है, जो हमको ये सिखाता है हमारे संतों महात्माओं के वचनों से, उनके कथनों से, कि समाज में जब भी अन्याय होगा तो हम न्याय की मसाल लेकर के चलेंगे। ये हमको सिखाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि ये इलाका है कपास लगाने वाले और सोयाबीन उगाने वाले किसानों की, कि बंजर जमीन को खोद करके भी जहां पानी नहीं हो वहां भी हम फसल पैदा करते हैं, तो हमको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है, उस उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की। आज जब मैं आपके बीच हूं, तो आज हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? चिंता यह है कि जो यवतमाल खेती किसानी के लिए मशहूर है, जो यवतमाल का इलाका खदानों खानों के लिए मशहूर है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से भाजपा का फूल यहाँ पे खिला है, तब से उन्होंने इस इलाके को ब्लडी फूल बनाने का काम किया है। आप सोचिए, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो बाहर से आया हूँ। अभी हमारे दोनों, हमारे खासदार साहब ने भी और मैं, बाला साहब को अभी से ही आमदार साहब कहता हूँ, कह दूं ना, हमारे आमदार साहब ने भी कहा कि गुंडागर्दी सबसे बड़ी समस्या है। इतनी दुख की बात है, मैं बिहार से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि समाज में जब क्राइम बढ़ता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है वो लोगों की प्रगति का नुकसान होता है। निवेशक आने से घबराते हैं, नई फैक्ट्रियां नहीं लगती है, लोग जो शरीफ लोग,
वो अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाने लगते हैं, और जो रोजी रोजगार होना चाहिए इलाके में वो रोजी रोजगार धीरे धीरे बंद होने लगता है। मैं आप तमाम यवतमाल के लोगों से हाथ जोड़ करके ये आग्रह करता हूँ, आपकी पहचान जो बनाई जा रही है उस पहचान को आपको 20 तारीख को बदलना है, और जिसने इस इलाके में दहशत फैलाई है, गुंडागर्दी बढ़ाया है, उसको आपको मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमको लिख करके दिया है, उस संविधान की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि उस संविधान में एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया है, और यह जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, कांस्टेबल जी हैं, SHO साहब हैं, इनका भी वोट एक है, और IG DIG का भी वोट एक होता है, किसान का भी वोट एक होता है, मजदूर का भी वोट एक होता है, महल में रहने वाले का भी वोट एक, फॉर्चुनर पर चलने वाले का भी वोट एक, और टूटी साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक होता है। ये जो ताकत है वोट की, इस वोट की ताकत को हमको पहचानना है, और अपने इलाके की प्रगति के लिए, रोजी रोजगार के लिए, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी बातें जो है TV पे आकर भाजपा के नेता बोल रहे हैं, उनसे एक सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो धान 3000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, वो धान विदर्भ के इलाके में आज की तारीख में 2200 रुपए में बिका है, जो सोयाबीन 4000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, वो आज 2700-2800, ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जो कपास का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर कपास नहीं खरीदा जा रहा है। एक बात सोच करके बताइए, क्या गलती है इस देश के अन्नदाताओं की? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। तेलंगाना से हमारे MLA साहब यहाँ पे हैं, वो आमदार हैं तेलंगाना के, अभी आपके बीच में उन्होंने बड़ी अच्छी हिंदी में भाषण दिया, ये डॉक्टर है, इनके परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बच्चा फार्मर क्यों नहीं बनना चाहता है? जो अन्नदाता सबके पेट में अनाज पहुंचाता है, वो अन्नदाता के बच्चे अन्नदाता क्यों नहीं बनना चाहते हैं? अपने ही खेत पर सूखी पेड़ पर लटक करके किसानों को जान देनी पड़ती है। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, हर एक घंटे में इस देश में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और हर एक घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। कौन सा सब जवाब हमको दिखाया जा रहा है? जुमलों का ऐसा गुब्बारा खड़ा किया गया है जिसमें सच्चाई कहीं छुप गई है। बताइए, कौन सा ऐसा काम है जो महायुक्ति की सरकार ने पूरा किया हो? ठगने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं कहता हूं कि महायुक्ति नहीं, महापापी है ये लोग, और इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। 20 तारीख को इनको जवाब देना चाहिए। महंगाई की हालत क्या है? जो LPG सिलेंडर 450 रुपए में मिला करता था, आज 1100 रुपए का मिल रहा है। जो दाल 50 रुपए की